वेलकम टू न्यू वीडियो दोस्तों। आज इस वीडियो में आपकी बड़ी जीत की बात करने वाला हूँ। क्यों कह रहा हूँ ऐसा, सारा इस वीडियो में आपको डिटेल वाइज बताने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, रिसेंट टाइम में लोन एप्स ने जो है बहुत ही ज्यादा हरासमेंट की थी, बहुत ज्यादा हाई इंटरेस्ट पे कम टेन्योर में आपको लोन प्रोवाइड करवा रहे थे। बहुत सारे लोगों को परेशान हुई है, सरकार RBI सब इनके पीछे लगे हुए, बहुत बड़ा एक स्कैम निकल के आया था। आज आपकी जीत की बात करने वाला हूं कि बहुत सारे लोन एप्स है, चाहे कैशबैक की बात करें, किस्त की बात करें, रूफिलो की बात करें, मनी व्यू की, मनी टैप की, जितने भी बड़े लोन एप्स हैं सब ने जो है फेयर पॉलिसी जो कोड्स है वो अप्लाई कर दिए हैं। ये आपकी जीत है। आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि फेयर पॉलिसी कोड जो है आपके लिए किस प्रकार से काम करेंगे, आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है, आप किस तरीके से जो है इनको यूज कर पाएंगे। वीडियो को आगे तक जरूर देख लेना, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप धर्रा, आप सब देख रहे हैं टेक बुद्धि। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल कलर सब्सक्राइब का प्लीज को दबा लें, चलो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। अगर कोई सवाल है तो कमेंट करके जरूर पूछे, हम आपको उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। और आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ फेयर पॉलिसी जो कोड है वो क्या है, आप किस प्रकार से फायदा पहुंचाएंगे, कौन कौन सी कंपनी जिन्होंने अभी इसको लागू कर दिया है। अगर आप लोन लेने की सोच रहे तो ये वीडियो आप जरूर देख लेना। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, एज पर RBI गाइडलाइन अब जो है लोन ऐप्स या डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म है उनको अपने प्लेटफॉर्म पे जो कस्टमर को ये बताना जरूरी है, क्योंकि बैंक से या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से आपको लोन दे रहे हैं, लोन एग्रीमेंट देना जरूरी है, बहुत सारी डिटेल आपको देना जरूरी है, जो कि पहले जो लोन ऐप्स है ये रूल जो है फॉलो नहीं कर रहे थे। अभी हम आ गए हैं कैशबिन की वेबसाइट पर, ये वेबसाइट ओपन हो गई। आप नीचे यहाँ पर आएंगे दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे फेयर प्रैक्टिस कोड है जो इन्होंने अप्लाई कर दिया। इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ क्रेडिट बी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको पूरी डिटेल मिलेंगी। इन्होंने भी जो है अपना बता दिया है किस तरीके से फेयर प्रैक्टिस कोड को फॉलो करने वाले हैं। यहाँ पर जो है मनी व्यू की बात करें तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारी डिटेल जो है मिलने वाली हैं। इसके बाद बात करते हैं हम मनी टैप की। मनी टैप में भी जो पार्टनर्स की जो डिटेल है बताई गई, किस तरीके से काम करता है वो बताया गया है। इसके बाद अगर आप देखेंगे क्रेडिट वन के बारे में तो यहाँ पर अगर आप होम पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप नीचे आएंगे, यहाँ पर भी देखो इन्होंने अपनी जो डिटेल है पूरी शो कर दी है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फेयर पॉलिसी जो कोड्स हैं वो यहाँ पर पूरी डिटेल दिखाई गई है। तो इसके बाद हम जाते हैं रूफेलो की वेबसाइट पर। जी हाँ दोस्तों, आप इसको रिफ्रेश करके देखिए, आप यहाँ पर नीचे आएंगे एकदम डाउन में तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं फेयर प्रैक्टिस कोड से जो इन्होंने लागू कर दिए हैं। इसके बाद जो किस्त की ऐप पे जाएंगे वहाँ भी आपको बहुत सारी डिटेल मिलने वाली है। स्ट्रेस फिन की वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पर भी जो है पूरी डिटेल इन्होंने डिस्क्लोज कर दी है। तो दोस्तों अब जान लेते हैं कि फेयर प्रैक्टिस कोड क्या है। जी हाँ दोस्तों, इस पर क्लिक करते हैं इस तरीके से जो है आपके PDF या वेबसाइट ओपन होगी। एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन ये वेरी करता है। यहाँ पर जो है आपको बताया जाएगा ये किस नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से आपको फाइनेंस दिलवाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है इनका, जो है ये जो सिस्टम है इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, साथ में बताया जाएगा क्या की कमिटमेंट्स हैं, क्या क्या तरीके से आपको जो है ये लोन देंगे। इसके बाद जो है आप नीचे आएंगे, आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर लोन एंड देयर प्रोसेसिंग, किस तरीके से जो एप्लीकेशन प्रोसेस होगा, क्या प्रोसेसिंग फ़ीस होगी, किस तरीके से आप मोबाइल से या वेबसाइट से इसको जो है अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे, क्या क्या चीज़ें आपको अपलोड करनी होंगी, लोन अप्रेजल एंड टर्म एंड कंडीशन का डिटेल यहाँ पर बताई गई है। इससे आगे जो है बताया गया है कि डिसबर्समेंट जो है लोन की किस तरीके से होगी, किस तरीके से टर्म एंड कंडीशन रहने वाली हैं, जनरल जो टर्म एंड कंडीशन क्या रहने वाली हैं। इसके बाद आपको बता के अगर आपको कंप्लेन करनी है, ग्रीवेंस कैसे हैंडल करेंगे ये लोन ऐप्स, उनकी पूरी डिटेल बताई गई है। सबसे लास्ट में अगर मैं बात करूँ तो इंटरेस्ट रेट में जो मॉडल है वो किस तरीके से चार्ज करते हैं, क्या इंटरेस्ट रेट रहने वाला, सबकी बात बताई गई है। इस तरीके से आप देखेंगे मैक्सिमम किसी भी कंपनी की अगर आप बात करें, चाहे आप ये अप्रूफिलो को भी अगर आप फेयर प्रैक्टिस कोड देखेंगे तो उसमें भी ये बताया गया कि इनकी साइंक क्रेवा कैपिटल जो कंपनी है वो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। एप्लीकेशन का जो तरीका है, किस तरीके से आपको लोन देता है, लोन अप्रेजल या टर्म एंड कंडीशन किस तरीके से रहती है, मैक्सिमम चीज़ें आप देखेंगे सबका जो है लगभग एक जैसा रहने वाला है। मनी टैप है उसकी जो लेंडिंग
पार्टनर है उसके बारे में बताया गया, ये जो पॉलिसी है वो फॉलो करते हैं। तो आपकी बड़ी जीत क्यों है इस फेयर प्रैक्टिस कोड को लाने में, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारी जगह कंप्लेन की है, गूगल प्ले स्टोर में इसको फ्लैग किया है, उसके बाद जो आप बड़े बड़े जो लोन ऐप हैं, चाहे आप क्रेडिट भी की बात करें, यहाँ पर भी आप डिटेल चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से आप ये जो है आपको लोन देंगे, मिनिमम जो है 62 दिन का आपको लोन देंगे, फेयर पॉलिसी को जो फॉलो करेंगे प्ले स्टोर में, तभी ये अवेलेबल रह पाएंगे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपकी वजह से मैक्सिमम लोन एप्स ने जो है फेयर पॉलिसी जो है अप्लाई कर दी है, आपको इससे बहुत फायदा होने वाला है। और अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो इसके रिगार्डिंग हमने एक लोन ऐप के ऊपर एक वीडियो बना रखी है, टॉप 5 बेस्ट लोन एप्स के ऊपर हमने एक वीडियो बना रखी है, वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या उसका लिंक जो मैं आपको आई बटन में भी दे दूंगा। तो इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी जरूर देख ले, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर जरूर कर देना, लाइक करना ना भूलना, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया था तो नीचे लाल सब्सक्राइब का उसको जरूर दबा लें, और फिर किसी नई वीडियो मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ।